नमस्कार, आप देख रहे हैं आर्या न्यूज। मैं हूं आपके साथ पल्लवी सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी और अहम खबर के साथ। देहरादून से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां इस साल नहीं होगी कांवड़ यात्रा। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं, जहां पर उत्तराखंड सरकार ने कांवड़ यात्रा रद्द करने का फैसला लिया है। बता दें, आगामी सावन महीने के चलते कांवड़ यात्रा हर साल जो निकाली जाती थी, अब कोरोना के मामलों को देखते हुए उसे रद्द करने का फैसला लिया गया है। बड़ी खबर इस वक्त की देहरादून से जुड़ी आपको बता रहे हैं, जहां कांवड़ यात्रा रद्द करने का फैसला लिया गया है। उत्तराखंड सरकार ने कांवड़ यात्रा इस साल रद्द कर दी है। कोरोना के चलते कांवड़ यात्रा पर रोक लगाई गई है। तो वहीं सावन महीने में शुरू होती थी कांवड़ यात्रा हर साल। देश से कई हिस्सों से जो यात्री हैं, कांवड़ लेकर पहुंचते थे श्रद्धालु, कांवड़ यात्रा किया करते थे, लेकिन इस साल कांवड़ यात्रा पर रोक लगा दी गई है। बता दें, कोरोना के मामलों को देखते हुए और तीसरी लहर की चेतावनी जिस तरीके से पहले से ही वैज्ञानिकों की तरफ से दी गई है, उसके मद्देनजर कांवड़ यात्रा इस साल के लिए रद्द कर दी गई है। और इसी बीच रुक करेंगे एक बड़ी खबर की ओर, जो कि बता दें कि बीएसपी सुप्रीमो मायावती का एक बड़ा ट्वीट सामने आया है। इस विवादित ट्वीट के जरिए मायावती ने एक बार फिर से सरकार पर निशाना साधा है। मायावती ने सपा पर निशाना साधा है और इसी बीच सपा की स्वार्थी दलित विरोधी सोच, इस तरह का ट्वीट मायावती ने कर दिया है। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं, जहां सपा पर निशाना साधा गया है और उसके बीच आपको बता दें कि प्रमुख पार्टियां सपा से किनारा कर रही हैं और सपा अब छोटी पार्टियों के सहारे रह गया है, इस तरह की बात मायावती की तरफ से की गई है। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं, जहां पर मायावती की तरफ से ट्वीट के जरिए सपा पर निशाना साधा गया है। मायावती ने लिखा कि समाजवादी पार्टी की घोर स्वार्थी पार्टी है और कार्यशैली के कड़वे अनुभवों और इसकी मतभोगी के साथ किनारा कर लिया गया है और ज्यादा बेहतर समझती है जो सर्वविदित है। इसी बीच आपको बता दें, मायावती की तरफ से ट्वीट में लिखा गया कि इनको छोटी पार्टियों के गठबंधन का सहारा है। बता दें कि मायावती ने ट्वीट कर सपा पर जमकर निशाना साधा है। ट्वीट के जरिए मायावती ने लिखा कि समाजवादी पार्टी की घोर स्वार्थी, संकीर्ण और खासकर दलित विरोधी सोच और कार्यशैली के कड़वे अनुभवों और इसकी भुक्तभोगी होने के कारण देश की अधिकतर बड़ी और प्रमुख पार्टियां चुनाव में इससे किनारा करना ही ज्यादा बेहतर समझती हैं, जो सर्वविविध है। इसी के साथ ही मायावती ने यह भी लिखा कि इसीलिए अब आगामी यूपी विधानसभा आम चुनाव अब ये पार्टी किसी भी बड़ी पार्टी के साथ नहीं, बल्कि छोटी पार्टियों के गठबंधन के सहारे ही लड़ेगी। ऐसा कहना और करना सपा की लाचारी और महालाचारी नहीं है तो क्या है? बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं, मायावती ने ट्वीट के जरिए सपा पर निशाना साधा है। बढ़ते अगली खबर की ओर, जहां केंद्रीय मंत्रिमंडल में अगले एक दो दिन में विस्तार किया जा सकता है। बता दें, केंद्रीय कैबिनेट में अभी भी 53 मंत्री हैं, जिसमें से 28 और बढ़ने का अनुमान जताया गया है। ये फेरबदल 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव और अगले 5 साल में कुछ राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव को देखते हुए लिया गया है। और इसी के साथ ही बतौर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूसरे कार्यकाल का ये पहला विस्तार होगा। सूत्रों का कहना है कि इस विस्तार में कई मौजूदा मंत्रियों को हटाया भी जा सकता है। तो वहीं अभी 9 मंत्रियों के पास एक से ज्यादा विभाग है और इनमें प्रकाश जावड़ेकर, पीयूष गोयल, धर्मेंद्र प्रधान, नितिन गडकरी, डॉक्टर हर्षवर्धन, नरेंद्र सिंह तोमर, रविशंकर प्रसाद और स्मृति ईरानी और हरदीप सिंह पुरी भी शामिल है।